देश की महंगाई को डायन खा गई। पेट्रोल डीजल गैस कीमतों में दिन ब दिन दाम बढ़ रहे हैं। इसके खिलाफ वाड़ी में हिंगना विधानसभा अध्यक्ष अश्विन बैस के नेतृत्व में बुधवार को सुबह 11 बजे दत्तवाड़ी चौक से टू व्हीलर की शव यात्रा निकालकर मोदी सरकार का निषेध किया गया। यात्रा काटोल बाईपास पर पहुंची। सभी युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काटोल बाईपास टर्निंग पर रास्ता रोको किया। सड़क बीच बैठे तो पुलिस ने उन्हें रोका, फिर भी कार्यकर्ता ने फिर नारे लगाए, मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, वारे मोदी तेरा खेल, 100 के पार पहुंचाते। शव यात्रा रैली आकर्षण का केंद्र रही। शव यात्रा में बैलबंडी, साइकिल रैली के साथ युवक कांग्रेस कार्यकर्ता शव यात्रा में शामिल हुए। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी सदस्य कुंदर राउत बाइक शव यात्रा में शामिल हुई। कंट्रोल वाड़ी स्थित अंबेडकर स्मारक पर रैली पहुंची। बाबा साहेब अंबेडकर को अभिवादन कर मोदी सरकार को महंगाई कम करने की सद्बुद्धि देने की प्रार्थना अश्विन बैस ने की। शव यात्रा में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कमल का फूल चुनकर हुई भूल, पेट्रोल डीजल गैस खाद्य तेल व जीवनावश्यक वस्तुएं के दाम कम करने की मांग युवक कांग्रेस ने की। रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कुंदर राउत, अश्विन बैस, राजेश थुरानी, भीमराव लोखंडे, भीमराव कायम्बे, योगेश कुमकुमार, अशोक गढ़लिंगे, ईशान जंगले, गणेश बावने, पंकज फलके, गोकुल जुमनाके, निकेश भागवतकर, रोहन नागपुरकर, अमोल केदार, अविनाश बारंगी, अभिनव वडेवर, सुदर्शन ठिस्के, दीपेश वर्मा, सुरेश उके, शुभम पिंपल शिंडे, सागर बैस के साथ बड़े पैमाने पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सहभागी हुए थे। आज आपल्या देशामध्ये पेट्रोल 100 च्या वर पार झालेला आहे। सिलेंडरचे भाव दिवसेंदिवस महाग होत आहे। डिझेलचे भाव, खाद्यतेलाचे भाव आणि इतर महागाई या भाजप सरकारच्या राज्यामध्ये या देशावर आर्थिक संकट आलेलं आहे। म्हणून यूथ काँग्रेसच्या माध्यमातून आम्ही याचा निषेध करत आहोत आणि गाडींची शवयात्रा काढून आज हिंगना विधानसभा युवक काँग्रेस के तरफ से यहाँ पे शव यात्रा निकाली गई है, साइकिल रैली निकाली गई है। इसका मेन कारण ये है कि जब मोदी सरकार ने जब झूठे आश्वासन देकर लोगों को आज उन्होंने केंद्र में अपनी सरकार स्थापित की है, उसके बाद में मोदी सरकार कहीं तो भी फेल हो गई है ना। इनका गैस में ये है रुका हुआ है, ना सिलेंडर में है, ना पेट्रोल में है, ना डीजल में, ना खाने के तेल में, कहीं पे भी मोदी सरकार हर जगह फेल हो चुकी है, लोगों बेरोजगार हो चुके हैं। मोदी सरकार का हम इसलिए निषेध करते हैं और मोदी सरकार अब तो भी झूठे आश्वासन देना बंद करे। जो 15 लाख की लालच देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया, वैसे ही पेट्रोल डीजल गैस का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम इस मोदी सरकार ने किया है, इसलिए हम मोदी सरकार का निषेध करते हैं। IBCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।